नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बुधवार को जिला अम्बाला में श्री गुरु रविदास धर्म संस्थान सिरसागढ़ के 21वें स्थापना दिवस व अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानंद जी महाराज के 15वें शहीदी दिवस पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने धर्म संस्थान सिरसगढ़ को 21 लाख रुपए की राशि तथा परिवहन राज्य मंत्री ने 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने एकता, मानवता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हमें संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए सदैव काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना शुरू की हुई है, जिसके अंतर्गत संतों महापुरुषों की जयंतियां और शताब्दियां सरकारी तर्ज पर मनाने की पहल की है। इसी कड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, संत कबीरदास जयंती, भगवान वाल्मीकि जयंती आदि जयंती एवं शताब्दियां राज्य स्तर पर मनाई गई। उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास का स्मारक कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जब ये सोलर पैनल का हमने वहां पर शुभारंभ किया था, उस समय हमने एक और निर्णय लिया था कि जो 2 किलोवाट के हमारे कनेक्शन है उन सब का सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया था कि उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। गरीबों को आने जाने के लिए हैप्पी कार्ड की सुविधा भी ये हमारी सरकार ने दी है। जो 1 लाख रुपए से कम आय वाले हैं उनको 1 साल के अंदर खबर अम्बाला से है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री असीम गोयल के गांव शेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में लद्दाख में शहीद हुए गुरप्रीत सिंह के मुख्यमंत्री नायब सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शहीद के घर पहुंचकर सर्वप्रथम शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया, जिसके बाद शहीद गुरप्रीत सिंह के परिवार को सांत्वना देने के लिए इस दौरान सीएम ने शहीद की पत्नी और उनके बच्चों की आशीर्वाद देते हुए ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी अम्बाला पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों का ढांढस बंधाया और वीर की शहादत को नमन किया। खबर झज्जर से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुशी और भावुकता में बह रहे सफलता के आंसू ही मेरी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई और इनाम है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ जाते वक्त अंबोली गांव के पास एक युवक से भेंट हुई, जो कि मेहनत और बिना खर्ची पर्ची के हाल ही में TGT सेलेक्ट हुआ है। उनकी मां ने कहा कि आपने उन गरीबों के घर सरकारी नौकरी से रोशन किए हैं, जिनकी योग्यता की सुध लेने वाला 2014 से पहले कोई नहीं था। मां बेटे के आंसू छलक पड़े।
करनाल में आयोजित अभिनंदन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस की यात्रा पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र और शैलजा यात्रा पर ही निकल जाएंगे। करनाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कही गई है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जाति के नाम पर तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन संसद में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछने के सवाल पर बडौली ने कहा कि किसी व्यक्ति की जाति पूछना गलत नहीं है, जाति पूछी जा सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार नागरिक अभिनंदन इस करनाल में मैं पहुंचा हूं, और आप सब से आपने जैसे प्रश्न किया है कि भाई क्या योजना है पार्टी का, हरियाणा प्रदेश का जो लाखों कार्यकर्ता है वो पार्टी के काम में लगे, इसी काम के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना संपर्क करना। आज अनुराग ठाकुर, अब ये बयान मैंने तो देखा नहीं, मैंने आज ही दिया है हमारे, वो क्या दिया है, किस भाव से दिया, कैसे दिया, वो बाद में जानकारी लेकर। कांग्रेस लगातार प्रदेश में कास्ट सेंसस की बात कर रही है, बीजेपी इस मुद्दे पर क्या राय रखती है? मनु भाकर ने देश का नाम रोशन किया, जिसके बाद ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिला, प्रदेश और देश सभी को मनु ने गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही उन्होंने मनु की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में मनु के फिर से गोल्डन गर्ल बनने की उम्मीद है। मनु भाकर लगातार हमको गौरवान्वित कर रही है, जिला गौरवान्वित, प्रदेश गौरवान्वित, देश गौरवान्वित और सभी युवती युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। लगातार दो मेडल जो हमको कांस्य पदक मिले हैं उसका बहुत आनंद सब लोगों को है, और पूरे चाव से उसका पूरा देश स्वागत करने के लिए तत्पर है। और हम तो गृह जिला हैं, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और इसके साथ साथ अभी और उम्मीद है कि हमको एक तीसरा भी उसके माध्यम से मेडल मिलेगा, और पहला मेडल भी उसके माध्यम से मिला, दूसरा मिला। और एक झज्जर जिला एक ऐसा जिला है कि जो मैं कहूँगा कि खेलों का ये इतना बड़ा अखाड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Swad se sabko deewana kar de. Deewana kar de. Pata ka chai. Ghazab ka swad. Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. Swadesh
से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, three easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Tum ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां जेजेपी विधायक रामकरण काला भी यात्रा में दीपेंद्र के साथ शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के 15 में से एक भी सवाल का जवाब अब तक नहीं दे पाई है। बीजेपी अपना मौन कब तोड़ेगी और आखिर कब तक सवालों के जवाब देने से बचती रहेगी? सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगा तो मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के काम को अपना बताकर गिनवा दिया। हरियाणा मांगे हिसाब, आपको पता है कि आज से तीन हफ्ते हो गए, हमने 15 सवाल हरियाणा सरकार के लिए, भाजपा के लिए 15 सवाल हमने उनसे कह रहे थे कि भाई आपके 10 साल हो गए, इन सवालों का जवाब दे। और हम जवाब किससे मांगेंगे? भाजपा से ही मांगेंगे, सरकार से ही मांगेंगे, जब केंद्र की सरकार ये बता रही हो कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। मैं जो है बेवजह किसी को हिसार के जंगल के पास से सड़क दुर्घटना की खबर है, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हिसार के जिंदल पुल के पास ट्रक और मोपेड की टक्कर हो गई। ट्रक का टायर मोपेड चलाने वाले के ऊपर से गुजर गया, जिसकी मौत हो गई। वहीं मरने वाले की पहचान अर्बन एस्टेट में रहने वाले रामचंद्र के रूप में हुई है। घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ने मृतक के भाई आनंद बल्लभ के बयान दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्टार मिस टीन कॉन्टिनेंट इंडिया 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता में शांभवी ने जीत हासिल की है, जिसके बाद पूरे पंचकुला में जश्न का माहौल है। शांभवी की उपलब्धि पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके घर पहुंचे और बधाई दी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की अन्य बेटियों की तरह शांभवी ने भी पंचकुला और हरियाणा का नाम देश में रोशन किया है। I'm 15 years old and एक दिन ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था कि मिस टीन इंडिया क्या होता है, एंड वहाँ पे मुझे स्टार मिस टीन इंडिया का लिंक मिला। तो मैंने अपने ऑडिशन दिए एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट सिलेक्टेड, एंड इस कॉम्पिटिशन में ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आए थे, पीपल फ्रॉम असम, पीपल फ्रॉम बिहार, पीपल फ्रॉम बंगाल, एंड कॉम्पिटिशन बहुत टफ था आई मस्ट से, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट मिस टीम कॉन्टिनेंट। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल पंचकुला एंड फॉर हरियाणा। मैं समझता हूँ कि ये जो अचीवमेंट हमारी बेटी ने मिस इंडिया टीम कॉन्टेस्ट के अंदर प्राप्त की है, ये हमारे सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। अब ये स्पेन में जाकर के इस कॉन्टेस्ट में वर्ल्ड क्लास का जो एक कॉन्टेस्ट होने जा रहा है,
वर्ल्ड लेवल का, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। गुहला चीका समस्त माजरी गांव वासियों शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मौजूदा सरपंच सतनाम सिंह माजरी ने किया। कैथ में शाहधाम ब्लड बैंक कैथल व सरकारी रेडक्रॉस कैथल द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। आज नेकी की घर संस्था गांव माजरी, जो हल्का गुला का गांव माजरी पड़ता है, उसके ग्रामवासियों की तरफ से, पंचायत की तरफ से आज उधम सिंह जी का जो शहीदी दिहाड़ा था उस पे एक कैंप का आयोजन किया गया, रक्तदान कैंप का। उसमें आज लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया, लोगों का बड़ा सहयोग रहा, तो महिलाओं ने भी आज रक्तदान किया है। और नेके घर संस्था की तरफ से आज लोगों को वहां पर पौधे भी वितरित किए गए और उनको पौधों की देखभाल के लिए भी समझाया गया। सबसे ज्यादा रक्तदाताओं ने इस कैंप में रक्तदान किया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह कैंप सरदार उधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर लगाया गया है। पहले भी संस्था के द्वारा, नेकी का घर संस्था द्वारा, बहुत ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा चुके हैं, आंखों का चेकअप कैंप लगाए जा चुके हैं और गरीबों को राशन भी बांटा गया। कोरोना काल में भी, वैसे भी जरूरतमंद लोगों की सेवा में नेकी का संस्था हर समय तत्पर रहती है। और आज जो एक बहुत बड़ा उपराला किया गया गांव माजरी के अंदर, लगभग 200 से ऊपर खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में माथा टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्वता है। इस भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि इस पावन भूमि से संतों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से पूरे जगत का मार्गदर्शन करने का काम किया है। इस अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की प्रबंधन कमेटी के सदस्यों को 77 कनाल 7 मरला भूमि की रजिस्ट्री भी सौंपी। प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली वाले हैं। हमारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सावन के पवित्र महीने में सिरसा स्थित शिव मंदिर में संत तारा बाबा जी की कुटिया में सीएम नायब सैनी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका और पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि तारा बाबा का आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि को फलीभूत करे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यमुनानगर पहुंचे, जहां जगाधरी के निजी पैलेस में उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोहनलाल बडौली की तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि वो कमिश्नर मोड में सरकार चलाते हैं और हम मिशन मोड में प्रदेश के विकास को आगे लेकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से इतना प्यार है कि वो जेल में रहते हुए भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार पर भी तीखा प्रहार किया। जो आदमी जिस प्रकार का होता है उससे उसी प्रकार का खोप भी रहता है। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने ये कहा था कि आरोप लगेगा तो मैं उसी टाइम त्याग पत्र दे दूंगा, और आज वो जेल में है तब भी कुछ छोड़ने को मन नहीं करता।
उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, और वो कमीशन मूड में सरकार चलाते हैं, हम मिशन मूड में सरकार चलाते हैं, बहुत अंतर है। और आज पूरी दुनिया के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, भारत की छवि को कितना ऊपर लेके गए हैं, आज भारत आर्थिक दृष्टि से जो पांचवें नंबर पर है, ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका दर्शाता है। और टारगेट रखा है कि ये देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और 2027 तक ये आर्थिक दृष्टि से हम तीसरे नंबर के देश बने, इस प्रकार की सोच लेके प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आज पूरे विश्व के नेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेतृत्व मानते हैं, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और इसके कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए, उनके शैलजा के पोस्टरों को देखना चाहिए, किसके फोटो गायब हैं, उनके पोस्टर देखोगे तो उस पर भी किसी के फोटो गायब हैं। और आज लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, आज हुड्डा अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहता है, लड़ाई इस बात की है, कांग्रेस पीछे है और परिवारवाद आगे। तो हर बूथ का जो बूथ का अध्यक्ष है वो भी टिकटार्थी के मुकाबला है, जो कांग्रेस के पास टिकटार्थी है वो तो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं उस प्रकार के। हमारे पास एक बहुत देश की सोच को लेके देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों की टीम है, और उनके पास देश को लूट कर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए इस प्रकार की सोच के लोग। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।